Hi everyone, this is Shrenu Parekh. Welcome to Joint Films. नहीं लगा था, कभी प्लान नहीं किया था, पर हाँ ये था कि जब मैं छोटी थी, जब 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि यार काश मैं भी मिस इंडिया बन जाऊँ, मिस वर्ल्ड बन जाऊँ. तो मेरा फर्स्ट ड्रीम, माय फर्स्ट लव वाज बीइंग मिस इंडिया, बट दैट कुडंट हैपन. बट इवेंचुअली जो उसका सेकेंड स्टेप होता है वही लाइफ में हो गया था. आई एम क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इट. आपकी फैमिली तो ये सरप्राइजिंगली स्फीयर ओरिजिन्स ही था उस वक्त, और मुझे कास्ट करे थे वो लोग बालिका वधू के लिए, लेकिन मैं पढ़ाई कर रही थी उस वक्त, मैं छोड़ नहीं पाती अपनी कॉलेज, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई छोटा रोल कर दूँ. तो फिर मैंने गुलाल में एक कैमियो किया था, छोटा सा रोल, उसकी फ्रेंड का रोल किया था. सो दैट्स हाउ माई फर्स्ट ब्रेक हैपन. मैंने एक चीज़ देखी है और सीखी है. इनफैक्ट मैं अभी टिप्स देने वाले लेवल पे पहुंची नहीं हूँ, पर जैसे जैसे मैं एवरी डे ऑन द सेट आई लर्न समथिंग. तो मैंने अब तक ये नोटिस किया है अपने सीनियर से भी, अपने डायरेक्टर से भी, कि आप अपने किरदार को नेचुरली जितना हो सके उतना खुद की लाइफ में इनग्रेन करके देखो, तो आई थिंक वो उतना ही अच्छा ऑन स्क्रीन दिखेगा. And that's exactly what I do every day. So just try to be as natural as possible. I think चीज़ें अपने आप easy हो जाती हैं. मैं बस यही कहूँगी कि हमेशा ये सोचो कि अगर आपके साथ कुछ अभी अच्छा नहीं हो रहा, तो उससे कहीं ज़्यादा better चीज़ आपके लिए भगवान ने रखी है store में. So you should just wait and better yourself every day. हमारे लिए कम से कम आप जब कहिए कि discipline कितना ज़रूरी है इस फील्ड में. Discipline, हालांकि the kind of life an actor has, I think अगर वो self discipline नहीं होगा तो वो शायद इस फील्ड में सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा. बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक एक्टर को ध्यान में रखनी होती है. तो मेरे हिसाब से डिसिप्लिन होना कि टाइम पे आना है, टाइम पे मेकअप करना है, टाइम पे लाइंस करनी है, आई थिंक वो सारी चीज़ें अगर आप एक एक्टर नहीं करेगा, अगर आप, मैं कोट करूँगी अमिताभ बच्चन जी को, वो आज के दौर में भी टाइम पे डबिंग के लिए पहुंच जाते हैं, ऐसे टाइम पे जहाँ पे खुद डबिंग आर्टिस्ट नहीं होते या ऐसा कुछ होता है. तो अगर वो इंसान इस लेवल पे तब जाके पहुंचा है जब वो आज की तारीख में भी इतने पंचुअल है. आपके काम में ट्रेनिंग और नॉलेज की इम्पोर्टेंस के बारे में आप बताएंगे? ट्रेनिंग और नॉलेज, देखो नॉलेज तो एक्सपीरियंस से होता है. जैसे जैसे लाइफ आप देखोगे वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, ट्रेन भी वैसे ही होंगे. बट ये है कि काफ़ी लोग पहले से क्लासेस लेकर आते हैं, सो दैट इज़ जस्ट एन एडिशनल एडवांटेज. एंड आई रियली थिंक दैट इफ अ पर्सन इज, मतलब एजुकेटेड है, नॉलेजेबल पर्सन है, तो उसके लिए काम आसान हो जाता है. इंडस्ट्री में एक न्यूकमर के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. टेलीविजन हैज़ बिकम अ ह्यूज स्काई, मतलब तुम जितना भी एम करो उतना कम है, मतलब इतनी सारी ऑफर्स हैं. आई थिंक यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर कोई भी आना चाहेगा इस इंडस्ट्री में, कोई निराश होके नहीं जाएगा. सबके लिए काम है, बस काम करने की वो चाह होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए बॉस मुझे सुपरस्टार बनना है रातों रात, सॉरी वो नहीं हो सकता आपके साथ. अगर आपको काम करना है आपको काम मिलेगा, बट अगर आप अपने शर्तों के साथ आएंगे तो शायद नहीं हो पाएगा. इंडस्ट्री में आने से पहले भी प्रिपरेशन करना ज़रूरी था? प्रिपरेशन बहुत सारी चीज़ों के लिए, मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन मुंबई, तो वो सारी चीज़ें एक बार हो जाती है. आई थिंक इफ़ अ पर्सन, मतलब अगर आपको बनना है एक्टर, तो आई थिंक आपको कोई नहीं रोक सकता एक्टर बनने से. एक एक्टर और एक डायरेक्टर का रिलेशन कैसा होता है? वेल, मेरे हिसाब से तो एक कैरेक्टर की माँ होती है डायरेक्टर. अगर मैं आज आस्था हूँ तो शायद मेरे डायरेक्टर वसीम साबर की वजह से, क्योंकि उन्होंने ही आस्था को पैदा किया और प्रोजेक्ट किया ऑडियंस के सामने. तो अगर आपका डायरेक्टर आपकी माँ नहीं बन सकता, तो सॉरी, आपका कैरेक्टर आपका कैरेक्टर नहीं बन सकता. और एक सिनेमाटोग्राफर, मैं हमेशा मेरे डीओपी को बोलती हूँ कि आप मुझे हमेशा सुंदर दिखाते हैं. आई थिंक आप जो एक कैरेक्टर को जो जन्म देता है वो डायरेक्टर है, और जो सुंदर दिखाता है आई थिंक वो एक डीओपी है. अगर आपकी सिनेमाटोग्राफी सुंदर नहीं है और अगर आपका एक्टर अच्छा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक दे गो टुगेदर. सो दैट्स हाउ माई सिनेमाटोग्राफर के साथ रिलेशन इज़.
अगर मुझे बोलते हनी सर प्लीज सुंदर दिखा दो, आज मैं गंदी लग रही हूँ, तो हाँ, मैं तुझे सुंदर दिखाता हूँ, ऐसा वाला रिलेशन है मेरा हनी सर के साथ। या वही मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी तरह का काम अगर मिलता है बस कर लेना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि मेरा सबसे पहला जो एड फिल्म था वो मैंने 500 रुपये में किया था, और वो भी बड़ौदा में किया था। अगर तब मैंने सोचा होता कि बॉस ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, तो शायद मैं आज तक यहाँ पे नहीं होती।